अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं। फ्राइडे के दिन हम लोग स्कूल गए थे। तो स्कूल की आपको पता है कि स्कूल तो ओपन हो चुके हैं, लेकिन हम लोग आजकल जा रहे हैं इस वजह से कि जी डेकोरेट किया जाए स्कूल को, और स्कूल की रीओपनिंग होनी है तो इस वजह से स्कूल को बच्चों के लिए रेडी कर दिया जाए। तो ये आपको अपनी क्लास की कुछ झलकियाँ दिखा रही हूँ। तो आप देखें कि ये मेरी क्लास है, इसको बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया हुआ है बच्चों के लिए और बिल्कुल रेडी है। तो ये मैंने ऐसे पीस भी बनाए थे ताकि बच्चे इनको देखें, समझें और फॉलो करें, और उन्हें पता हो कि हमने क्लास में इसी तरीके से बैठना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये आप देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, और पेंट वगैरह भी दोबारा करवाया है इस पर। और फ्राइडे शाम को हम लोग आ गए थे जी एम्पोरियम मॉल, क्योंकि कुछ मंथली ग्रोसरी करनी थी, और साथ ही साथ मुझे पता लगा था कि जी जो बीच ट्री है उस पर फ्लैट 50% ऑफ है। तो मैंने सोचा क्योंकि ना ग्रॉसरी करने तो जाना ही है, तो फिर बीच ट्री को भी देख लेंगे कि वहाँ पर क्या है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी एम्पोरियम मॉल, एंट्री हो रही है अभी भी, ये लोग टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, लेकिन रश इस कदर होता है कि SOPs तो बस अल्लाह ही जानता है, हमारी कौम कभी फॉलो नहीं कर सकती। और मास्क वगैरह सब ने पहने होते हैं, क्योंकि वो बार बार आपको मास्क उतारने पर कह रहे होते हैं कि जी मास्क पहने। तो मास्क तो पहने होते हैं सब ने, लेकिन SOPs कोई फॉलो नहीं होती, ना ही कोई फासला होता है बिलिंग पर। तो जी ये हम लोग एंटर ही हुए हैं, तो ये खूबसूरत सा ट्रैक मुझे नज़र आया, ये देखें आप कितना ही कलरफुल है, मुझे बहुत पसंद आया था ये, और बहुत अच्छा कल्चरल सा लग रहा है। तो अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें इन्हें यहाँ पर लगानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो इनको देखें, उनको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है। और ऐसी चीज़ें आम तो शहरों में देखने को नहीं मिलती। और साथ ही इन्होंने ये हंटसा बनाया हुआ था, ये भी कोई 5000 की शॉपिंग करें तो आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे भूल भुलैया होती हैं। अच्छा, तो हम लोग कार पर जाने से पहले ऊपर जा रहे हैं, ऊपर है जी बीच ट्री। तो जाते जाते मेरी नज़र निशात पर पड़ी। निशात से वैसे मैंने कोई शॉपिंग नहीं की इस दफ़ा, और पता नहीं क्यों नहीं की, बस की ही नहीं इससे शॉपिंग, और रश बहुत ज़्यादा था यहाँ। हालाँकि सेल लगे हुए काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको। तो हम लोग जा रहे हैं जी बीच ट्री। तो बीच ट्री पे तो मैं सोच रही थी बहुत रश होगा, लाइनें लगी होंगी, लेकिन रश तो अंदर था लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था, और कोई एक्साइटिंग मुझे नहीं लगा यहाँ पर। ये है जी बीच ट्री। अच्छा, ये पेपर लैंड जो है ये बच्चों का इनका ब्रांड है, इस पर भी फ्लैट 50% ऑफ था। ये स्लिप्स ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। तो जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए, रश तो बहुत था लेकिन सिर्फ रेडी टू वेयर पर, क्योंकि आपको मैं ये बताऊं कि जी सिर्फ वहाँ पर रेडी टू वेयर ही अवेलेबल थे, अनस्टिच थे ही नहीं। तो मैंने वहाँ वर्कर से पूछा, मैंने कहा जी अनस्टिच किधर हैं? कह रहे हैं जी वो आप स्लिप देख रहे हैं ना, सिर्फ वो अनस्टिच में पड़ी हैं, वो भी खैर स्टिच ही थी, बस वो पड़ी हैं वहाँ पर, और अनस्टिच बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने कहा आप लोग रीस्टॉक तो करेंगे? कहते नहीं जी हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, हम रीस्टॉक कहाँ से करें। तो मैंने कहा आपका स्टॉक कितने बजे ख़त्म हुआ? जी सुबह 11 बजे हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया। क्या टोपी ड्रामा इन लोगों ने बनाया हुआ है, जब स्टॉक ही नहीं है तो सेल लगाने की क्या ज़रूरत थी, लोगों को पागल बनाया हुआ है और अपनी जी रेडी टू वेयर सेल कर रहे हैं। मुझे तो खैर इनकी रेडी टू वेयर बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैंने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। और ये ज़रा जूतियों की जो रैक है उनकी सूरत हाल मुलाहिज़ा फरमाएं, सिर्फ गर्मियों की स्लीपर्स थी, फ्लैट्स थी यहाँ पर, कोई बंद जूता कुछ भी सर्दियों के लिहाज से कुछ भी नहीं था। मुझे तो यहाँ बहुत शदीद मायूसी, और मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए, अपनी नीस के लिए। जो पेपर लैंड इनका ब्रांड है, वहाँ पर बच्चों के कपड़े अवेलेबल थे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। वहाँ से मैंने 2 फ्रॉक्स अपनी नीस के लिए ली हैं, वो अच्छी हैं, लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया।
और फिर हम यहाँ से तो बिल्कुल ही मायूस ही होके गए हैं, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर हमें। जो उसके बाद हम लोग आ गए थे $1, और $1 मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कोई भी मायूस नहीं होता। $1 बहुत ज़बरदस्त शॉप है और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ से ये निम्बुआ का पैकेट लिया था, और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बने हुए हैं जी, ये स्टोरेज बॉक्स, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो एक मैंने ये स्टोरेज बॉक्स लिया था 3 टायर वाला, तो बहुत अच्छा है ये, इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी छोटी छोटी आ जाती हैं। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो मैं आपके साथ शॉपिंग हॉल में शेयर करूँगी। तो यहाँ क्रॉकरी की भी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, तो लोग बड़े यहाँ पर एक्साइटेड थे। तो जी $1 से लूट मार मचाने के बाद हम लोग आ गए थे जी कारफोर। तो कारफोर पे आते ही मेरी नज़र इन मग्स पे पड़ी, बड़ी ही चीप प्राइस में ये मुझे मिले हैं। तो ये मैंने ले लिए थे, 79 का एक था, तो मैंने दो ले लिए थे ये मग। बहुत अच्छे लगे थे, मैंने मेरे ख्याल जून में लिए थे, जून मंथ में मैंने मेट्रो से लिए थे। तो 250 का एक मग था, उसकी क्वालिटी नो डाउट इससे थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छे थे। तो बाकी आप ये क्रॉकरी देख लें, क्रॉकरी पे लास्ट वीक मैं यहाँ पर आई थी थोड़ी सी ग्रोसरी के लिए, तो बहुत अच्छी सेल्स लगी हुई थी, तो अब भी खैर अच्छा था। बाकी हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉपिंग हॉल में। तो जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि हमें चाहिए थी, वो हमने ली यहाँ से, और बस घूमते फिरते रहे। बस ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह से कुछ शॉपिंग की, और बस हम लोगों ने फिर घर की तरफ चल दिए। ये देख लें जी, हमारी नन्ही मुन्नी सी शॉपिंग, इसको हम करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है और अब बिलिंग हो रही है। तो बस इतना सही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मज़ीद किस टॉपिक पर व्लॉग्स चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इनक्रेजमेंट मिले। और एंड करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि लोग यहाँ पर आते हैं जी, ये पंजाब ऑप्टिकल है, यहाँ पर आते हैं जी वो वेट करवाने, तो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी। खैर अच्छा, तो जी अच्छा जी, मुझे अब इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते हुए बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।